हेलो दोस्तों, रनिश देसी जड़ का मैं आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम बना रहे हैं सरगवा की सब्जी, इसको ड्रमस्टिक भी बोलते हैं और ये बहुत ही हेल्दी रहती है। इससे घुटनों का दर्द वगैरह नहीं होता है, इसे खानी चाहिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने दो तरफ कढ़ाई रखी है, एक कढ़ाई में मैंने पानी रखा है, इसे हम बॉईल करेंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से बॉईल करना है। 15 मिनट तक इसे बॉईल करना है। और ये कढ़ाई में तेल रख दिया है, उसमें हम ग्रेवी तैयार करेंगे। जब भी आप कोई ग्रेवी बनाते हो ना, तो उसको पहले सौंठ लेना चाहिए। इसमें हम डालेंगे थोड़े से सिंगदाने, मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, दो टमाटर लिए हैं, और इन सबको अच्छे से सेक लेना है। जब तक प्याज और टमाटर का कलर ब्राउन होता है, वहाँ तक हमें इसको सेकना है। और एक तरफ हमारा ये बॉईल हो रहा है। इसमें हम थोड़ा सा लहसुन भी डालेंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और इन सबको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से सोख लिए हैं हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, गैस को करेंगे बंद और इसको है ना हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर इसको मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे, पर इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और इधर हमारे सरगवा भी उबल रहे हैं, तो इसको हम 5-10 मिनट और उबालेंगे, फिर इसको भी बंद कर देंगे और इसको पानी में से निकाल देंगे। देखिए, हमने इस ग्रेवी को इस तरह से पीस के पेस्ट बना लिया है। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है। मैंने 3 से 4 चम्मच तेल रखा है। अब इसमें है ना हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और इनको थोड़ा सा सोत लेंगे। और उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे। और इसको हमें सेकना है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धना जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और इन सबको वापस से मिक्स करेंगे और हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी को हमें थोड़ा और सेकना है। पहले हमने प्याज टमाटर सब सेक ही रखा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हो कि हमारी ग्रेवी सिक रही है और कढ़ाई में ये जो तेल था वो ऊपर आने लगा है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ी देर और सेकेंगे। ये जो ड्रमस्टिक है सरगवा है, हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे, ताकि सरगवा के अंदर हमारी ग्रेवी बिल्कुल मिक्स हो जाए।
देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। इसको हमने 5 से 7 मिनट तक के लिए रखा था क्योंकि हमने सरगवा ऑलरेडी बाफ दिया था। तो ये बन चुका है, देखिए 10 से 15 मिनट में सब्जी रेडी हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और खाने में भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी हम करते हैं गैस बंद और इसमें डालेंगे हम धनिया। तो आप देख सकते हो कि हमारी सब्जी बन चुकी है, तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए और टेस्ट कीजिए कि कैसी बनी है। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी पे।